So welcome back to my channel, and today we are going to drop Beyblades, and you guys will be like, Sumit, really? We thought we all have grown up, and we are going to go through some tutorials. You are going to share your experience or your opinion on how to draw stuff, or you are going to share some ninja technique to draw character and other stuff. But are we really going to drop Beyblades? And my answer is yes. एंड क्या होता है कि ड्राइंग में एक रहता है कि आपका स्किल सेट इम्प्रूव करना है, हमें अच्छा आउटपुट निकालना है, हमको और अच्छा काम करना है. पर जो चीज़ हम जिसके वजह से हम ड्राइंग करते हैं कि हमको वो प्रोसेस पसंद है, ठीक है, तो वो चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है. और मैं ऐसा नहीं कहना चाहता कि आपको हमेशा ड्राइंग इन्जॉय करना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं होगा. लाइक अगर आपको बॉडी बिल्डिंग करनी है, आपको अच्छी बॉडी बिल्डिंग बनानी है, इसे आपको बाइसेप्स ट्रेन करना बहुत अच्छा लगता है. बाइसेप्स ट्रेन करने के बाद यू फील बेटर, यू फील पम्प, आपको वर्कआउट करते हुए भी इंजॉय करते हो आप. एंड से अगर आपको लेग्स ट्रेन करते हुए मज़ा नहीं आता, यू हेट दोज लेग सेशंस, फिर भी आपको लेग्स ट्रेन करने पड़ेंगे टू गेट अ बेटर आउटपुट, ओके, ताकि आपका बॉडी जो है वो एस्थेटिक दिखे. आपको जो चीज़ें नहीं पसंद है वो भी आपको करनी पड़ेंगी टू डू द स्टफ दैट यू लाइक, ओके. पर इसका मतलब यही नहीं है कि आप हमेशा आपके वीकनेसेस पे ही फोकस करो और हमेशा उधर स्किल्स इम्प्रूव करते बैठो, ठीक है, कि हमेशा देखो, हमेशा वो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट जैसा मत सोचो. कभी कभी आपने जो अभी तक स्किल सेट बनाया है ड्राइंग का और कोई और चीज़ों का, या फिर कोई और स्किल सेट जो आपने बढ़ाया, वो स्किल सेट का वो करंट लेवल भी इंजॉय करना बहुत इम्पोर्टेंट है, ओके. सो मुझे बहुत मज़ा आया ये ड्राइंग बनाते हुए बेब्लेट का, बेब्लेट ड्रॉ कर, क्योंकि मैं फॉर्म्स के बारे में भी सोच रहा था, मैं एक्सिस के बारे में भी सोच रहा था, एंड मैं सोच रहा था कि वो कैसे एक दूसरे के, मैं थ्री डी व्यू में सोच रहा था लाइक कैसे एक दूसरे के अटैच होते हैं वो चीज़ें, एंड वो कितना ब्यूटीफुल दिखती है. और मैं उसके वजह से वो जो बेब्लेट का डिज़ाइन है जो मुझे पहले ही पसंद है बहुत, वो मैं उसको और एडमायर कर पाया और एम्बरेस कर पाया और उसको समझ पाया मैं. सो आई हैड फन वाइल ड्राइंग दिस, ओके. सो ये चीज़ कर सकते आप हमेशा, आपका स्किल सेट जब भी इम्प्रूव होगा या फिर आप जब भी इम्प्रूव कर रहे हो, तभी ये एस्पेक्ट भूल मत जाना कभी कि आप वो चीज़ इन्जॉय भी करनी है. एंड ऐसा नहीं है मेरा कहना कि आप हमेशा इन्जॉय करोगे सारी चीज़ें. एनाटॉमी स्टडी करना, कभी कभी एक मसल दूसरे मसल से किधर अटैच होता है वो सीखना, और फिर वो रिपीटिटिवली ड्रॉ करना बहुत बोरिंग हो जाता है. एडमिट कभी कभी ड्रॉ करने का भी मूड नहीं होता हमारा, और फिर भी यू हैव टू ड्रॉ बिकॉज आपने कमिट किया है खुद से कि मुझे एटलीस्ट डेली का इतना घंटा ये चीज़ में डालने का है. इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई भी ड्रॉइंग आपकी एन्जॉयमेंट के लिए नहीं बना. लाइक अगर आपके पास 3 घंटे है या 4 घंटे है और आपका रियली मन कर रहा है टैंक्स ड्रॉ करने का, तो यू शुड नॉट ड्रॉ टैंक्स, ओके. अपने वो 3 घंटा प्रैक्टिस की तरफ डालना चाहिए. नो, यू कैन ड्रॉ टैंक्स बिकॉज यू लाइक इट, यू नर्ड अबाउट इट, यू एंजॉय इट. और कोई भी चीज़ अगर वो फन नहीं है तो हमारा ब्रेन इतने स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करेंगे वो चीज़ को. लेकिन अगर वो चीज़ इतनी रिवॉर्डिंग नहीं है, लाइक आप खुद को रिवॉर्ड ही नहीं दोगे उसके लिए, लाइक अगर आपने ये स्किल सेट बिल्ड किया ड्राइंग का और उसके लिए अब आपको जो चीज़ें पसंद है वो ड्रॉ करने के लिए आप खुद को रिवॉर्ड ही नहीं दोगे, तो आपका ब्रेन नेचुरली वो पोजीशन में चला जाएगा जिधर योर ब्रेन में ड्राइंग को लेकर पहला थॉट यही आएगा कि वो ग्राइंड है, ओके. सो बीच बीच में यू नीड टू इन्जॉय द स्टफ, यू नीड टू इन्जॉय योर स्किल सेट. एंड आई एम टेलिंग टू दोज आर्टिस्ट हु आर स्ट्राइविंग टू बी ग्रेट, और उनको अपना स्किल सेट बढ़ाना है बहुत, बिकॉज जैसा मेरे साथ हुआ था, मैं 1.5 साल टोटली वो चीज़ों पर डाला था जिधर आई वॉज नॉट प्रोड्यूसिंग आर्ट, आई वॉज ड्रॉइंग एवरी डे बट आई वॉजेंट क्रिएटिंग समथिंग न्यू, मैं जस्ट प्रैक्टिस कर रहा था. एंड इसका मतलब ये भी नहीं है कि टोटली यू शुड गो टू द अदर साइड ऑफ थिंग्स जिधर यू विल बी लाइक मुझे एक्सप्रेस करना है खुद को, मुझे बहुत आइडियाज है, एंड यू आर जस्ट प्रोड्यूसिंग आर्ट बट यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग. सो चीज़ें बैलेंस होनी चाहिए अच्छे से कि, एंड ऐसा नहीं है कि आप दिन का 2 घंटा ड्रॉ करो एंड यू विल बी लाइक 2 घंटा में एक्सप्रेस करूँगा, वो ऐसा चीज़ें नहीं होगा. इट इज़ मोर लाइक अ पेंडलम, कभी कभी आप
ज़्यादा टेक्निकलिटीज पे फोकस करोगे और ज़्यादा आपका स्किल सेट और प्रैक्टिस इम्प्रूव प्रैक्टिस करोगे और चीज़ें इम्प्रूव करने का ट्राई करोगे सब चीज़ों उसमें डालोगे। एंड समटाइम्स इट विल बी ऑन अदर साइड ऑफ पेंडुलम कि जिधर आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हो एंड ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप क्रिएट कर रहे हो, आपको आइडियाज़ बहुत से अच्छे से आ रहे हैं, तो ऑलवेज ये पेंडुलम मूविंग रहना चाहिए। तो ऐसे आपका धीरे धीरे ग्रोथ होगा। एक जिधर आप टेक्निकलिटीज पे फोकस कर रहे हो, ऐसा नहीं होगा कि मैं मंडे टू वेनसडे टेक्निकलिटीज पे फोकस करूँगा एंड थर्सडेज सैटरडेज एंड संडेज में इसके ऊपर फोकस करूँगा क्रिएशन पे, ऐसा नहीं होगा। ओके, क्योंकि वो जो आपका मंडे ट्यूसडे वेनसडे जो आपने एक मोमेंटम बनाया रहता है वो आप डायरेक्टली ब्रेक नहीं कर सकते। एंड इवन जो आप कर दोगे आपका माइंडसेट वो नहीं रहेगा। एंड एक बार आपने आर्ट क्रिएट करना चालू कर दिया तो अगेन वो मोमेंटम क्रिएट हो जाता है, तो आपका मंडे वापस वो बैठ गया टेक्निकलिटीज पे बैठने का मन नहीं करेगा बिकॉज यू वांट टू प्रोड्यूस स्टफ। सो ये पेंडुलम जो है वो ऐसा 2-3 महीने इधर और 2-3 महीने वो साइड, 2-3 मंथ वो साइड, ऐसे चलते रहना चाहिए। सो अगर आपका आप ड्राइंग ज़्यादा इंजॉय नहीं कर पा रहे हो और आप ज़्यादा ही टेक्निकलिटीज के साइड में हो तो स्टार्ट डूइंग स्टफ दैट यू लाइक, यू नर्ड अबाउट, लाइक ड्रॉ स्वॉट कैट्स, ड्रॉ ही मैन, जो मुझे बचपन में पसंद था, आई स्टार्टेड ड्रॉइंग दैट स्टफ एंड मैं वो इंजॉय करने लगा वापस। या फिर आर्ट स्टाइल चेंज करके देखो, एक्सप्लोर करके देखो चीज़ें कुछ कुछ। मे बी आप रियलिस्टिक ड्रॉ करते हो तो स्टाइलाइज ड्रॉ करो, मे बी आप स्टाइलाइज ड्रॉ कर रहे हो तो रियलिस्टिक ड्रॉ करो, मे बी आप सब्जेक्ट मैटर मैक्स एंड मशीन ड्रॉ करते हो तो फैंटेसी ड्रॉ करके देखो, मे बी यू विल इंजॉय इट। एंड स्टडीज़ में भी वैसा करने का ट्राई करो, जस्ट डोंट ड्रॉ एनी आर्म्स। आर्म्स ड्रॉ कर रहे हो फिर वो आर्म्स के ऊपर अगर आपको पसंद है, समझो सामुराई के बारे में आप गीक आउट होते हो बहुत ज़्यादा, तो वो सामुराई का आर्मर डाल के देखो, उसके ब्रिस्ट के इधर आर्म्स रहते हैं, आर्मर रहता है, फोर आर्म्स के इधर आर्मर रहता है, शोल्डर के इधर आर्मर रहता है, वो आर्मर डाल के देखो। आर्म्स ड्रॉ करने के बाद कन्वर्ट इट इनटू समथिंग दैट यू लाइक। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़